हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। आई एम पीयूष परासर एंड विथ मी वी विल स्टडी सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग भरपूर मिलेगा एंड इन दिस वीडियो हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के अंदर चैप्टर 2 आपकी चल रही थी, एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन के अंदर जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं इट इज इवापोरेशन। इवापोरेशन के अंदर जो टॉपिक कवर कर रहे हैं इट इज मेजरमेंट ऑफ इवापोरेशन। उसके अंदर भी मैंने दो मेथड आपको बता रखे हैं, इंपेरिकल मेथड एंड पैन इवापोरेशन टेक्निक। दिस इज दी थर्ड मेथड विच इज एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड बड़ा ही सिंपल मेथड, मतलब कैलकुलेशन वगैरह करके सोच समझ के इक्वेशन को डेवलप करके एक सिस्टम के लिए, फिर वहां से हम अगर इवापोरेशन लॉस कैलकुलेट करें उस चीज को एनालिटिकल मेथड कहा जाता है। इसमें तीन तरह के मेथड हैं, स्टोरेज इक्वेशन मेथड और वाटर बजट मेथड, एनर्जी बजट मेथड, मास ट्रांसफर मेथड। अब मैं आपको बता दूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड्स कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, वाटर बजट मेथड तो सिंपल सा मेथड है ना, इससे क्वेश्चन आ सकता है एक न्यूमेरिकल छोटा सा। ये बड़ा सिंपल मेथड है वाटर बजट, सब मेथड बताऊंगा। वाटर बजट तो हमने पहले भी बताया था, मतलब टोटल इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो प्लस चेंज इन स्टोरेज। इनफ्लो जितने जितने हैं उसको बराबर जो जो लॉसेस हो रहे हैं उस सिस्टम से वो प्लस डेल्टा एस चेंज इन स्टोरेज, है ना। तो इवापोरेशन एक तरह का लॉस हो गया, तो ये आउटफ्लो में रहेगा ये टर्म, और बाकी सारे टर्म आपको क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे, बस इवापोरेशन लॉस कैलकुलेट कर लेना है। समझ में आ रहा है? दिस इज योर स्टोरेज इक्वेशन मेथड और वाटर बजट मेथड। एनर्जी बजट मेथड ये थोड़ा बड़ा मेथड है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा मेथड है और इस मेथड से उतना क्वेश्चन वगैरह पूछता नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस मेथड के अंदर एक चीज आती है बोवेंस रेशियो, है ना, उस चीज को पूछा जाता है, तो वो चीज हम बताएंगे। ऐसे आपको मैं पूरा मेथड ही सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाऊंगा ताकि आपको एक बार ही पढ़े तो याद हो जाए, ध्यान में रह जाए, और कुछ बार बार पढ़ने की इन सब चीजों को करने की जरूरत ही नहीं है, मैं इस तरह से आपको समझा दूंगा। तीसरा मास ट्रांसफर मेथड, इसका एक बहुत छोटा सा तीन चार टर्म की एक इक्वेशन है ना, तो कवर कर लेते हैं इन सारे मेथड्स को। ओके, बड़ी टॉपिक नहीं है। इसको कवर करने के बाद हम इसी पर्टिकुलर वीडियो में देख लेंगे कि व्हाट आर द मेथड फॉर कंजर्वेशन ऑफ इवापोरेशन लॉस, इवापोरेशन लॉस से हम कैसे बचे, इस चीज को मैं कवर करवाऊंगा। उसको कवर करने के बाद और एक छोटा सा टॉपिक इस कॉन्सेप्ट से बचता है, वो भी मैं कवर करवा दूंगा। देखो, मैंने अभी तक क्या समझाया, इवापोरेशन हो रहा है, कोई लेक है, नदी है, ये सब के वाटर सरफेस से इवापोरेशन हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि सॉइल में, अगर सॉइल मान लो फुल्ली सैचुरेटेड है, मतलब कोई इलाका का सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है, मतलब पूरा वॉइड्स में पानी भरा हुआ है, पूरा बुलबुला डब डब पानी है उसमें, है ना, वाटर टेबल वगैरह भी ऊपर है, बहुत सारा कुछ है सॉइल में, मतलब पानी डब डब भरा हुआ है। अभी गर्मी आया, सन आई, लैंड गर्म होगा, तो कोई लैंड गर्म हो रही है तो टेम्परेचर से, तो अगर गर्मी हो रही है तो वो लैंड धीरे धीरे सूखना शुरू होगा, तो वो आप देखते हैं वो लैंड सूख जाता है। सूखता क्यों? उसे मॉइस्चर कम हो गई तभी ना वो सूख रहा है, नहीं तो वो क्यों सूखता? मॉइस्चर कम होगी तो वो मॉइस्चर कहाँ गई? तो मॉइस्चर इवापोरेट हो गई, तो लैंड से भी इवापोरेशन होता है। तो लैंड से इवापोरेशन जो हो रहा है और वाटर बॉडी से जो इवापोरेशन हो रहा है, इसके बीच में एक कंपैरिजन कर दूंगा ताकि लॉजिकल क्वेश्चन वगैरह अगर आए, है ना, एसर्शन रीजनिंग वगैरह में, ये इन्हीं सब चीजों का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठाता है, वो चीज आप इजीली आंसर कर पाओ। ये सब इसी पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। इनको करने के बाद आपका ये जो इवापोरेशन का टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे ट्रांसपीरेशन, देखेंगे इवेपो ट्रांसपीरेशन, देखेंगे इन्फिल्ट्रेशन, देखेंगे, चलता रहेगा। ओके, तो चलिए अपना आज का जो टास्क है इस पर्टिकुलर वीडियो का वो कंप्लीट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, आपको किसी भी तरह का डाउट आता है रिलेटेड टू इंजीनियरिंग कंटेंट सब्जेक्ट, है ना, आपने चैनल पे बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, अपना पूरा सिविल इंजीनियरिंग का पेड पैकेज है जिसको एनरोल करिए, एसएससी के लिए तैयारी करिए, गेट के लिए तैयारी करिए, ईएससी के लिए तैयारी करिए। अभी अपने चैनल पे ऑफर चल रही है, आप एनरोलमेंट कर सकते हैं एट द रेट 2999 ओनली। दिस ऑफर इज वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम,
फॉर एनरोलमेंट यू कैन कॉन्टैक्ट मी, कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर फ्लैश हो रहा होगा या फिर नोट कर लीजिए 7008420353, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप अपना एंड्रॉयड ऐप कॉन्सेप्ट डिकोडर पे या प्ले स्टोर पे जाएंगे, कॉन्सेप्ट डिकोडर लिखेंगे, अपना एंड्रॉयड ऐप आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। ओके, किसी भी तरह से आप ये सब करिए, हम आपको संपर्क कर लेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और डाउट वगैरह आता हो इन सब चीजों को तो व्हाट्सएप पे आ जाइए। तो हेडिंग बनाइए स्टोरेज इक्वेशन मेथड और वाटर बजट मेथड। ये बड़ा ही सिंपलेस्ट फॉर्म है ना। ये दिस मेथड इज बेस्ड ऑन हाइड्रोलॉजिकल कंटिन्यूटी इक्वेशन, मतलब एक तरह से फ्लो हो रही है, एक तरफ से बाहर निकल रही है, समझ रहे हो। तो इसी को ये कंटिन्यूटी है, कंटीन्यूअस प्रोसेस है। ओके, मतलब एक लेक है, उसमें प्रेसिपिटेशन हो रही है, कुछ पानी इससे लेक से सीपेज सरफेस आउटफ्लो है ना, इस तरह से बाहर भी निकल रही है, कुछ सीपेज भी हो रहा है, कुछ पानी इसमें इनफ्लो ग्राउंड से अंदर भी आ रही है ना, या फिर कुछ पानी सरफेस से इसमें अंदर आ रही है बहते बहते ऊपर से, ये प्रेसिपिटेशन से पानी आई, कुछ पानी इवेपोरेट कर गया है ना। तो ये प्रोसेस तो ऐसा नहीं है ना कि एक बार में शुरू हुआ फिर बंद होता है, फिर शुरू होता है बंद होता है, ये तो एक कंटिन्यूअस सिस्टम है, कंटिन्यूअसली चलते रहता है ना। तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोलॉजिकल कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये जो बनता है इक्वेशन, इसको क्या कहेंगे, इट इज हाइड्रोलॉजिकल कंटिन्यूटी इक्वेशन। सो हम कहते हैं कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन सिंपल हाइड्रोलॉजिकल कंटिन्यूटी इक्वेशन। ओके, लिखिए दिस मेथड इज बेस्ड ऑन सिंपल हाइड्रोलॉजिकल कंटिन्यूटी इक्वेशन। और इस कंटिन्यूटी इक्वेशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो प्लस चेंज इन स्टोरेज ऑफ द सिस्टम, है ना। तो लेट सपोज कोई लेक या रिजर्वायर के ऊपर ये मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है, तो देखो एक लेक है, इस लेक में बरसात हुई, प्रेसिपिटेशन पी हमने रिप्रेजेंट किया है, इस लेक से बाहर की ओर इसके सरफेस से एरो जा रहा है, उसको हमने इवापोरेशन ई रिप्रेजेंट किया है, यहाँ से क्यू आई जो है इट इज टोटल सरफेस इनफ्लो, है ना, जो भी बाहर से पानी आ रही है इस लेक में फ्लो होते हुए, क्यू नॉट क्या है, इट इज टोटल सरफेस आउटफ्लो जो यहाँ से फ्लो के बाहर जा रही है इस लेक से, है ना। अब ये अंडरग्राउंड से भी कुछ पानी आएगा इसमें, तो लेट सपोज अंडरग्राउंड सीपेज जो हो रहा है ना, या सीपेज इनफ्लो सीपेज आउटफ्लो जो हो रहा है, उसको मैंने क्यू यू आई और क्यू यू नॉट से रिप्रेजेंट किया है। और इन सब गतिविधियों के होने के बाद जो स्टोरेज में चेंज हो गया उसको हम कहते हैं डेल्टा क्यू एस इस सिस्टम का। अभी देखो एग्जाम में अगर कभी कभी क्वेश्चन आएगा इवापोरेशन निकालने के लिए बाय दिस मेथड, अगर लेक या रिजर्वायर के ऊपर ये मेथड को लगानी होगी, तो लेट सपोज कि वहां पर ट्रांसपीरेशन लॉस अगर दे दिया है, ट्रांसपीरेशन लॉस, तो मेरे को ये बताओ एक चीज, उतना तो आप पढ़े ही होंगे, ट्रांसपीरेशन भी भले ही मैंने नहीं बताया लेकिन इरिगेशन वगैरह में सब में एक्सप्लेन कर रखा है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, वो होता क्या है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो जमीन से पानी सोख के अपने पत्तों के थ्रू से बाहर निकालते हैं, है ना, रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स, उसको हम एक तरह से ट्रांसपीरेशन प्रोसेस कहते हैं। तो उसके थ्रू से जो पानी निकलता है वो दैट इज ट्रांसपीरेशन। अभी लेक जैसा कोई सिस्टम है तो इसमें बीच में ट्री कहां से आ गया, तो इस सिस्टम से ट्रांसपीरेशन के माध्यम से लॉस होने की कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। मान लो लेक में मान लो काई कजली छोटे छोटे मतलब वाटर प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं, अब उनका ट्रांसपीरेशन लॉस है ना, अगर वहां पे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रांसपीरेशन लॉस, तो हो सकता है कि वो लेक में बहुत सारे वाटर प्लांट्स होंगे छोटे छोटे जिसके थ्रू से ट्रांसपीरेशन हो रहे होंगे, तो उसको यूज करने के लिए दिया होगा। तो आप यहाँ पर अगर क्वेश्चन में दिया है, ध्यान रखना इसलिए समझा रहा हूँ, यहाँ लिखवाऊंगा नहीं, क्वेश्चन में अगर दिया होगा तो उस ट्रांसपीरेशन लॉस को भी इंक्लूड कर लीजिएगा, समझ आ रहा है। फिर वहां पर यह मत सोचिएगा अरे ट्रांसपीरेशन तो जमीन पर अगर पौधा होता है तब होता है, ऐसा नहीं है, लेक में भी अगर वाटर प्लांट्स है तो वो भी उससे भी कुछ ना कुछ ट्रांसपीरेशन होगा, भले ही कम होगा लेकिन होगा, क्लियर है, बहुत कम होगा वो, इसलिए जनरली हम उस टर्म को नेग्लेक्ट ही करते हैं। तो यहां पर हम हाइड्रोलॉजिकल कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसे बनाएंगे और क्या लिखेंगे, तो देखिए मैं लिखूंगा P प्लस
QI टोटल सरफेस इनफ्लो प्लस QUI ये भी आया, मतलब अंडरग्राउंड इनफ्लो या फिर अंडरग्राउंड सीपेज इनफ्लो बराबर इवोपरेशन E प्लस क्यू नॉट, ठीक है, प्लस क्यू यू नॉट मतलब आउटफ्लो प्लस चेंज इन स्टोरेज डेल्टा एस। अच्छा, ये चेंज इन स्टोरेज के लिए, ये डेल्टा एस के लिए हम यहां पे प्लस माइनस लिख देते हैं, प्लस माइनस लिख देंगे। ओके, अब ये प्लस माइनस क्यों लिखेंगे? लेट्स प्लस इसलिए लिखेंगे कि मान लो इंक्रीज हो गया स्टोरेज में, इंक्रीमेंट हुआ, नेट इंक्रीमेंट, इवेपोरेशन हुई लेकिन फिर भी सरफेस इनफ्लो या फिर ग्राउंड सीपेज इनफ्लो इतना ज्यादा हो गई कि स्टोरेज में आपका नेट इंक्रीमेंट हो गया है, तो इक्वेशन में यहाँ पे प्लस एस आ जाएगा। अगर स्टोरेज में आपका नेट डिक्रीज आया है तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे हो? तो इस सिंपल से इक्वेशन को अप्लाई करके हम निकाल लेंगे। तो इसमें ये सारे टर्म का क्या मतलब है, इसको लिखना है तो लिख लीजिए, हम लिख देते हैं नेक्स्ट पेज में। तो लिखिए P इज टोटल प्रेसिपिटेशन ऑन द वाटर सरफेस, QI इक्वल टू टोटल सरफेस इनफ्लो, QUI इक्वल टू टोटल अंडरग्राउंड इनफ्लो, QU नॉट इक्वल टू टोटल अंडरग्राउंड आउटफ्लो एंड Q नॉट इक्वल टू टोटल सरफेस आउटफ्लो, E इज इवेपोरेशन लॉस, क्लियर है? नेक्स्ट, डेल्टा QS इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज ऑफ द सिस्टम, और ये पॉजिटिव होगा जब नेट इंक्रीज इन स्टोरेज होगा और नेगेटिव होगा जब नेट डिक्रीज इन स्टोरेज आएगा, ठीक है? अब देखो कुछ कुछ बातें और सुन लो, इतना जब सुना ही रहे तो और कुछ सुन लो, सुनना है बस, सुन के याद रखना है, ध्यान रखना है, अगर नोट बना के लिखना है बगल में तो लिख सकते हैं। देखिए इस मेथड में ये जो सारे टर्म्स आपने यूज किए इस इक्वेशन में, जब भी सॉल्व करो सारे टर्म्स को किसी एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लो, मतलब एक होमोजेनस इक्वेशन बना लो। मान लो डेप्थ के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो सभी टर्म्स को डेप्थ के फॉर्म में कैलकुलेट करिए तो इवेपोरेशन भी डेप्थ के फॉर्म में निकलेगा, समझ रहे हैं? या फिर सभी टर्म्स को हम कैलकुलेट कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ डिस्चार्ज, है ना, या फिर रेट जैसे मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना, इस तरह से वॉल्यूमेट्रिक डिस्चार्ज, तो इवेपोरेशन भी उसी फॉर्म में निकलेगा, समझ में आ रहा है? जिस फॉर्म में सारे टर्म्स को रखेंगे उसी फॉर्म में इवेपोरेशन कैलकुलेट होकर निकल के आएगा। ओके, दूसरा चीज, ये मेथड है तो बड़ा सिंपल लेकिन है, सुनिए, ये मेथड है तो बड़ा सिंपल लेकिन ये उतना काम का नहीं है। क्यों उतना काम का नहीं है? क्योंकि देखो इस मेथड में जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स मैंने बताया है उन डिफरेंट टर्म्स में से कुछ टर्म ऐसे हैं जिसको कैलकुलेट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। अब ऐसा कौन कौन सा टर्म है, जैसे कि ग्राउंड इनफ्लो ग्राउंड आउटफ्लो, मतलब सीपेज इनफ्लो सीपेज आउटफ्लो को एक्यूरेटली कैलकुलेट करना बड़ा ही दिक्कत वाली बात है, है ना, और ट्रांसपिरेशन का भी कैलकुलेशन बड़ा ही मुश्किल होता है। तो ये इक्वेशन उतना भी काम का नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स को हम इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर इन सारे टर्म्स का एनालिसिस या फिर असेसमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है तो ही आप इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे, अगर नहीं गिवन है तो इस इक्वेशन को यूज ही नहीं करेगा, है ना। तो क्वेश्चन जब भी रहेगा ये सारे टर्म्स दिए होंगे, अगर नहीं भी दिए होंगे तो जो इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो प्लस स्टोर चेंज इन स्टोरेज करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। लेकिन जो लॉजिक वाली बात थी वो ये थी, अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा एसर्शन रीजनिंग सब में पूछा जा सकता है डिफरेंट मेथड को कंपेयर करके, है ना, तो उसमें ये चीज है कि ये मेथड में बहुत सारे टर्म ऐसे हैं जिसको कैलकुलेट करना मुश्किल होता है इसलिए ये ज्यादा यूजफुल नहीं है। दूसरा चीज, ये मेथड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये मेथड समय के ऊपर बड़ा ही निर्भर करता है। लेट सपोज कि आप शॉर्ट एक दिन के लिए ये मेथड लगा रहे हैं, मतलब एक दिन के दौरान कितना प्रेसिपिटेशन हुआ, कितना सरफेस इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ, तो बड़ा ही दिक्कत आ जाएगा। तो ये मेथड से जो इवेपोरेशन का रिजल्ट निकलेगा उतना एक्यूरेट नहीं होगा। लेकिन अगर लंबे समय के लिए आप अप्लाई करेंगे, है ना, अगर मतलब टाइम पीरियड लार्ज रखेंगे जैसे एक महीना एक साल, एक महीना भी नहीं, छह महीना चार महीना एक साल, ऐसा महीने से ज्यादा टाइम पीरियड जितना इंक्रीज करोगे
एक्यूरेसी जो है इस मेथड का उतना और अच्छा बनते चलेगा। समझ में आ रहा है? इन लॉजिक्स को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है और आप पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, ध्यान मैंने बता चुका है तो, लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आप आके बोलोगे सर ऐसा तो आपने बोला नहीं था, तो मैं सब बोला हूं। ठीक है, ध्यान से सुन के रखने का मेथड है, बड़ा सिंपल। मैं हो सकता था इतना ही बता के छोड़ देता, आगे बताता ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि लिखवाऊंगा नोट्स बल्कि हो जाएगा। ये सब चीज सुनने का है, समझने का है, क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, एनर्जी बजट मेथड टू एस्टिमेट इवेपोरेशन लॉस। एनर्जी बजट मेथड, तो ये जो मेथड है इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब एक सिस्टम में एनर्जी कंजर्व होती है, ये फिजिक्स की एक सिंपल सी प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल पर ये मेथड बेस्ड है। तो इस मेथड में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम बेसिकली ये कैलकुलेट करते हैं कि पानी में कितना एनर्जी आया ड्यू टू सोलर रेडिएशन, मतलब सन के द्वारा कितना एनर्जी पानी में आई, उससे कुछ एनर्जी एयर में चली गई, कुछ एनर्जी ग्राउंड में चली गई, है ना, कुछ एनर्जी पानी फ्लो करके सीपेज फ्लो जैसे हो रहा है, पानी फ्लो करके अपने साथ ले गया, है ना, कुछ एनर्जी इवेपोरेट हो गई। समझ में आ रहा है? तो ये इन सारे एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अप्लाई कर देते हैं, फिर वहां से हमारा इवेपोरेशन निकल जाता है। बड़ा सिंपल सा मेथड है ना। तो बेसिकली हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इवेपोरेशन में कितना एनर्जी यूज हुआ टोटल इनकमिंग एनर्जी का, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हम इवेपोरेशन निकाल लेंगे इससे। ओके, तो देखिए इस डायग्राम को समझिए, इसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे, तो एक सिंपल फॉर्म में समझिए। सबसे पहले समझिए कि क्या एनर्जी आ रहा है। तो देखो सन के द्वारा एक सोलर रेडिएशन आया, ठीक है, एक हीट एनर्जी आई, इसको मैं कहूंगा एच सी, सोलर रेडिएशन। ओके, ये सूर्य सूरज के द्वारा ये हीट एनर्जी इनकमिंग आ रहा है, है ना, दिस इज इनकमिंग। अब इसमें से इस वाटर सरफेस के ऊपर जब गिरा, इसका अपना एक रिफ्लेक्शन कोफिशियंट होगा जिसको हम अल्बिडो कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट रिफ्लेक्शन कोफिशियंट, कुछ एनर्जी सबसे पहले रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो लेट सपोज इस एच सी एनर्जी का टोटल आर एच सी एनर्जी रिफ्लेक्ट कर गई, है ना, रिफ्लेक्टेड एनर्जी। अब आर एच सी रिफ्लेक्ट कर गई तो अंदर कितना गई रिफ्लेक्ट होके, लेट सपोज अंदर अंदर जो टोटल एनर्जी गई इसका, ये गई कितना जाएगी, वन माइनस आर एच सी। कैसे हो गया, देखो आर प्लस वन माइनस आर, करेंगे आर आर खत्म, तो क्या एच सी बचा, मतलब जितना आया था उतना ही बचा अगर इन दोनों का सम करेंगे, तो कुछ रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ अंदर चली गई। ये आर क्या है, दिस इज योर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इस वाटर सरफेस का, इसको हम अल्बिडो भी कहते हैं कभी कभी, है ना। तो ये कहानी अभी तक हुआ है। अब इसमें से भी क्या होता है, एक बैक रेडिएशन हो जाता है, अर्थ जो इतना गर्म है उसके कारण अर्थ से भी कंटिन्यूअसली एनर्जी जाते रहती है, तो ये यही सब नेट इनकमिंग एनर्जी जो है उसी का एक बैक रेडिएशन होता है। तो लेट सपोज कि एच बी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज बैक रेडिएटेड, ठीक है, एच बी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज बैक रेडिएटेड, तो ये भी लॉस हो गया। तो अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं यहां पे, पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि नेट नेट हीट एनर्जी रिसीव्ड, ओके, या फिर टोटल इनकमिंग एनर्जी या फिर नेट इनकमिंग एनर्जी जो इस वाटर बॉडी ने रिसीव किया वो कितना रिसीव किया, इसको मैं एच एन से रिप्रेजेंट करता हूं। तो ये एच एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसलिए बड़ा तोड़ तोड़ के सिंपल फॉर्म में बताऊंगा आपको, ताकि ये मेथड एक बार आपने देख लिया, बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं है, उतना इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन बस एग्जाम में फिर भी एग्जाम के लिए मैं आपको सब चीज बता रहा हूं। तो एच एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कितना आया नेट इनकमिंग रिसीव, कितना हुआ एच सी, पानी में गया एच सी, वन माइनस आर इतना गया था, इसमें से भी बैक रेडिएशन हो गया पहले कितना, माइनस एच बी कर देंगे, तो इतना नेट एनर्जी रिसीव हुआ है, ठीक है, इसमें से भी नेट एनर्जी इतना रिसीव हुआ है। अब देखो कुछ हीट एयर को लॉस हो जाता है,
ओके, इसको मैं एच ए कहता हूं। दिस इज सेंसिबल हीट, मतलब ये हीट आपको मतलब समझ में आएगा, ओके सेंस कर पाओगे इसको, ओके वहां पे गरम गरम लगेगा। तो वो सारा हीट क्या है, वो भी तो एक एनर्जी है जो लॉस हो रहा है एयर को। तो एच ए इज व्हाट, हीट लॉस टू एयर, हीट लॉस टू एयर, है ना। एच बी लिख लीजिए, एच बी क्या है, बैक रेडिएशन, इसको लॉन्ग वेव रेडिएशन भी कहा जाता है, ओके आप बस बैक रेडिएशन ध्यान में रखिए। अगर एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आ गया तो ये डायग्राम बनाना है, तो इसी के लिए हम आपको ये चीज समझा रहे हैं। तो इसको बैक रेडिएशन कहेंगे। आर एच सी क्या है, दिस इज रिफ्लेक्टेड हीट, रिफ्लेक्टेड एनर्जी, ओके अब देखो इतना समझ में आया। अब इवापोरेशन भी हो रहा है जब वाटर सरफेस से, तो इवापोरेशन के कारण भी कुछ ना कुछ हीट एनर्जी लॉस होगा, है ना। तो ये इवापोरेशन लॉस हो गया, लेट्स सपोज इवापोरेशन के कारण हीट एनर्जी लॉस हो रहा है, प्लस इतना सब होने के बाद और हीट एनर्जी क्या लॉस होता है, जैसे पानी गर्म हुआ, तो पानी गर्म हुआ तो उसके अगल बगल का जो ग्राउंड है वो भी थोड़ा थोड़ा गर्म होगा जो सरफेस कॉन्टेक्ट में, तो मतलब पानी से कुछ हीट एनर्जी ग्राउंड में जाएगा, है ना, तो वो एक लॉस हो जाएगा, हीट फ्लक्स इनटू ग्राउंड, इसको मैं एच जी कहता हूं, मतलब वो हीट एनर्जी जो ग्राउंड ने अपने में ले लिया, ओके हीट एनर्जी लॉस टू ग्राउंड, ये सारे लॉस हैं। फिर देखो ये इससे कंटीन्यूअसली सीपेज भी हो रहा है, पानी गर्म है तो पानी गर्म पानी वो फ्लो होके निकल गया मान लो, तो अपने साथ कुछ एनर्जी भी लेके वो चला गया बेसिकली। तो लेट सपोज उसको हम कहते हैं एडवेक्शन एनर्जी, मतलब एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्लोइंग वाटर, ओके तो यहाँ पे फ्लो क्या हो सकता है, सीपेज के कारण जो एनर्जी लॉस हो गया वही चीज, ओके तो इसको मैं कहता हूं एच आई। ये एच आई क्या है, दिस इज योर एडवेक्शन। इन सब टर्म्स को और डिटेल में मैं लिखवा दूंगा, अभी बस इस डायग्राम को समझो। और ये एच जी क्या है, दिस इज हीट लॉस टू ग्राउंड, हीट लॉस्ट टू ग्राउंड, ठीक है ये हो गया एच जी। अब लेट्स सपोज इतना इन सब चीजों के होने के बाद कुछ ना कुछ हीट तो वाटर बॉडी में भी स्टोर होगा, तो लेट्स सपोज कि दैट इज एच एस, ओके दिस हीट इज स्टोर्ड इन वाटर बॉडी, ओके हीट स्टोर्ड इन वाटर बॉडी, क्लियर है। सो ये बन गया आपका डायग्राम, और आपने ये भी पता लगा लिया कि नेट हीट एनर्जी रिसीव्ड जिसको हम कहेंगे एच एन ये कितना है, या फिर नेट इनकमिंग एनर्जी कितना था, क्लियर है। नाउ सेकेंड टर्म, दूसरा टर्म, तो टोटल आउटगोइंग एनर्जी कौन कौन सा होगा, हमको एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है तो हम क्या, टोटल इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग एनर्जी प्लस एनर्जी स्टोर्ड प्लस एनर्जी लॉस्ड इन इवापोरेशन, समझ में आ रहा है। तो आउटगोइंग एनर्जी कितना होगा, आउटगोइंग एनर्जी विल बी इक्वल टू, कौन कौन सा आउटगोइंग है, देखो कुछ एयर जो एयर में जो लॉस हो गया एच ए, प्लस ग्राउंड में जो लॉस हो गया एच जी, प्लस फ्लोइंग वाटर के द्वारा जो हीट एनर्जी लॉस हो गया एच आई, ये टोटल आउटगोइंग एनर्जी हो गया कि नहीं, ओके तीसरा टर्म क्या हो गया एच एस, और ये क्या है, इट इज हीट स्टोर्ड इन वाटर, हीट स्टोर्ड इन वाटर। चौथा हम देखेंगे, फोर्थ, कि हीट यूज्ड इन इवापोरेशन क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है पहले आपको लिखवा देता हूं, तब आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा ये सब हम क्यों कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम ये लिख सकते हैं कि टोटल इनकमिंग एनर्जी
इक्वल टू आउटगोइंग एनर्जी, आउटगोइंग एनर्जी प्लस क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड प्लस, और एक लॉस कौन सा है, इवापोरेशन लॉस, एनर्जी यूज्ड इन इवापोरेशन। Used in evaporation. So, इस concept को हमको apply करना है। तो total incoming energy हमने पता लगा लिया HN, outgoing energy हमको पता चल गया है, energy stored HS हमको पता चल गया है, तो energy used in evaporation कितना होता है, इसको let's suppose इसको मैं represent करता हूँ energy used in evaporation को HE से, ठीक है? HE क्या है? This is energy used in bracket में लिख लीजिए। एनर्जी यूज्ड इन इवेपोरेशन, ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट किया एच ई से। तो ये एच ई इक्वल टू कैसे दिया जाता, इट इज रो रो इंटू एल ए इंटू ई, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी यूज्ड इन इवेपोरेशन। अब यहां पे रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, Density of water, LA क्या है, latent heat of water, latent heat of evaporation, of evaporation, आपको पता है कितना है, 585 calorie per gram, मैंने लिखवा दिया था पहले ही। और E क्या है, इट इज इवापोरेशन, यहां पे ई जो है इट इज इवापोरेशन इन एमएम, इसका जो यूनिट है एमएम में। और एक चीज, इस पूरे इक्वेशन में जो पूरा एनर्जी का, हर एक एनर्जी का जो टर्म बता रहा हूं, हर एक एनर्जी का टर्म कहने का मतलब है, तो ये हो गया हीट, मतलब हीट एनर्जी यूज्ड इन इवापोरेशन, मतलब एनर्जी यूज्ड इन इवेपोरेशन। अब यहाँ पे पूरे इक्वेशन में जो जितने भी मैंने एनर्जी आपको बताया है, एनर्जी कहने का मतलब है जो मैंने बताया HN, जो मैंने बताया HE, जो मैंने बताया HI, जितने भी एनर्जी का टर्म्स बताया है, इस सारे एनर्जी का टर्म्स का जो यूनिट है, ठीक है, ये यूनिट क्या है, दिस यूनिट आर कैलोरी, एक मिनट, कैलोरी पर स्क्वायर mm पर डे, है ना, कहने का मतलब हम किसी एक दिन के लिए इस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक दिन के लिए। और इस मेथड के बारे में और एक चीज बता देता हूं, एनर्जी बजट मेथड एक ऐसा मेथड है जो कि अगर आप टाइम पीरियड जितना आपका शॉर्ट रहेगा, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड अगर आप मेथड को अप्लाई कर रहे हो, तो जो रिजल्ट निकल के आते हैं ना वो ज्यादा एक्यूरेट होता है, उसका एक्यूरेसी बेटर होती है। लेकिन इससे पहले वाला जो मेथड बताया था, वाटर बजट मेथड, है ना, या स्टोरेज इक्वेशन मेथड, उसमें क्या है, जितना लंबे समय के लिए आप लगाओगे एक्यूरेसी उतना बेटर होगा। तो आप अगर क्वेश्चन में लॉजिकल और लॉजिकल क्वेश्चन पूछा, एनर्जी बजट मेथड और वाटर बजट मेथड में से शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम के लिए कौन सा है, तो ये चीज भी बता पाओगे कि आप। तो शॉर्ट टाइम के लिए एनर्जी बजट मेथड अच्छा है, लॉन्ग टाइम के लिए किस मेथड का एक्यूरेसी अच्छा है, वाटर बजट मेथड का एक्यूरेसी अच्छा होता है। क्लियर है, ठीक है। तो इन सब का यूनिट भी ध्यान में रखिएगा, शॉर्ट नोट्स में आप लिखिएगा कि ऑल द एनर्जी टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड इन दिस यूनिट, कैलोरी स्क्वायर एमएम पर डे। क्लियर है। नाउ तो हमने अभी ये भी निकाल लिया, और ये सब भी लिखवा दूंगा, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन कितना, इन सब चीजों को भी लिखवा दूंगा, दोबारा लिखवा दूंगा, पहले मेथड को कंप्लीट करने दीजिए, सब टर्म जितने भी टर्म्स हैं सबके बारे में लिखवा दूंगा। तो अब अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल को यूज करूं, तो जो स्टेटमेंट मैंने अभी लिखवाया था आपको यहां पर, इस स्टेटमेंट को अगर अप्लाई करूं तो अकॉर्डिंग टू दिस, तो क्या मैं लिखूंगा टोटल इनकमिंग एनर्जी, तो मेरा टोटल इनकमिंग एनर्जी मैं नीचे ही लिखता हूं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं अभी। तो टोटल इनकमिंग एनर्जी मेरा कितना है, इट इज माई एच एन, इतना एनर्जी मेरा इनकमिंग हुआ। नाउ टोटल आउटगोइंग एनर्जी, कौन कौन सा एनर्जी आउटगोइंग था, एच ए था, एच जी था,
और एच आई था, ये आउटगोइंग एनर्जी था, प्लस हीट स्टोर्ड कितना एच एस, प्लस एनर्जी यूज इन इवापोरेशन कितना एच ई, ये इक्वेशन मेरा बन गया। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं सभी का यूनिट क्या है, लिख लीजिए कैलोरी पर स्क्वायर एमएम पर डे, बगल में ही लिख लो ध्यान में रहेगा। अब देखो इस इक्वेशन में हम सब चीज को इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं, हम सब चीज को इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं, लेकिन एच ए को डायरेक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। एंड व्हाट इज एच ए, दिस इज द हीट लॉस टू एयर, एफिशिएंसिबल हीट लॉस टू एयर, एच ए कैनॉट बी कंप्यूटेड डायरेक्टली। तो इसको कैलकुलेट करने का एक उपाय है, एक रेशियो है ना, फॉर कैलकुलेशन ऑफ एच ए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ एच ए बोवेन रेशियो कॉन्सेप्ट इज यूज्ड, बोवेन्स रेशियो कॉन्सेप्ट इज यूज्ड। बोवेन्स रेशियो को हम बीटा ओके से रिप्रेजेंट करते हैं, बोवेन रेशियो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय बीटा, और इससे हम कैलकुलेट करते हैं एच ए को, दैट इज सेंसिबल हीट लॉस्ट टू एयर ओके, और इट इज रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट लॉस्ट टू एयर, एयर दैट इज एच ए डिवाइडेड बाय हीट एनर्जी या फिर एनर्जी यूज्ड इन इवेपोरेशन, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ये तो आपको पता है एच ई, ये इस चीज का रेशियो है। अब इसका फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बनता है, आप इसको लिख लीजिए बीटा इक्वल टू सिक्स, याद रखना है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, या फिर सिर्फ बोवेन्स रेशियो के बारे में भी पूछा जा सकता है 6.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 पी ए टी डब्ल्यू माइनस टी ए, लिखिए पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करते हैं, ई एस माइनस ई ए। ठीक है, तो ये हुआ आपका बोवेन्स रेशियो का फॉर्मूला, याद रखिए, हो सकता है कभी सिर्फ बोवेन्स रेशियो कैलकुलेट करने के लिए पूछ दे एसएससी ईएससी में, ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा बनता है और पूछा भी है, बोवेन्स रेशियो पर क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ इसमें पी ए क्या है जो लिखवाया हूं, इट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर, इसका यूनिट क्या है एमएम ऑफ एचजी, जिस यूनिट में मैं बता रहा हूं उसी यूनिट में आपको, जब क्वेश्चन आप अगर आप सॉल्व करोगे तो उसी यूनिट में आपको चीजों को इसमें लिखना है। ठीक है, नाउ टी डब्ल्यू क्या है, टेम्परेचर ऑफ वाटर, डिग्री सेल्सियस में, टी ए क्या है, टेम्परेचर ऑफ एयर, ये भी डिग्री सेल्सियस में, ई एस क्या है, सैचुरेशन वेपर प्रेशर, सैचुरेशन वेपर प्रेशर एमएम ऑफ एचजी में। अब ये देखो एक चीज यार, सैचुरेशन वेपर प्रेशर हम जनरली कहां निकालते हैं, ये मान लो लेक हो गया और ये लेक का सरफेस, ठीक है, तो लेक के सरफेस से जो कांटेक्ट में जस्ट एक एयर मास है ना, उस एयर, वो एयर मास सबसे पहले जल्दी सैचुरेट हो जाती है, तो वो ज्यादा ऊपर नहीं है, ये नहीं कि एक मीटर दो मीटर, जस्ट लेक के सरफेस के वाटर के कांटेक्ट में जो एयर मास है, वो जो एयर मास सैचुरेटेड है उसका वेपर प्रेशर कितना है, तो वो जनरली एक तरह से आप सैचुरेशन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर भी कभी कभी कह दिया जाता है, क्योंकि उन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, समझ में आया, क्योंकि वो दोनों लेयर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है,
क्लियर है नाउ। और थोड़ा और ऊपर, मतलब उस लेयर के और ऊपर, मतलब एक आध डेढ़ मीटर ऊपर, जैसे कि हमने मेयर्स इक्वेशन में देखा था, वहां पे V9 का यूज होता था, मतलब 9 मीटर ऊपर में जो हवा का गति है उसका। तो आप कह सकते हो मतलब और थोड़ा ऊपर, बहुत ज्यादा ऊपर जो एयर है, 8-9 मीटर ऊपर एक जो एयर है, उसका अगर हम प्रेशर निकालेंगे, दैट इज एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ एयर, है ना, एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ एयर, और इसका भी यूनिट क्या होगा, एमएम ऑफ एचजी। क्लियर। तो ये हो गई आपका बोवेंस रेशियो, और बोवेंस रेशियो के माध्यम से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे एच ए का वैल्यू। क्लियर है। जब आपने एच ए का वैल्यू कैलकुलेट ही कर लिया, तो अब तो जो इक्वेशन मैंने लिखवाया था अभी बाय यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, उस इक्वेशन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसको सॉल्व करने में तो दिक्कत वहीं पे आ रही थी ना, क्योंकि एच ए का वैल्यू हमको पता नहीं था। ओके तो मैं उस इक्वेशन को और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, लेकिन उसको सिंप्लीफाई या सॉल्व करने से पहले हम एक काम करते हैं, जो भी टर्म्स थे यहाँ पे उस टर्म का एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। वेल देखिए, तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड, ओके एच एन इक्वल टू इतना, लेट सपोज इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन वन, ठीक है, आप भी नोट करके लिख लीजिए। और ये जो बोवेंस रेशियो के बारे में मैंने बताया, ठीक है, मतलब बोवेंस रेशियो इज रेशियो ऑफ क्या, एच ए अपॉन एच ई, ओके बीटा इक्वल टू रेशियो ऑफ एच ए अपॉन एच ई, इसको मैं कहता हूं इक्वेशन टू, लेट सपोज। अब इन दोनों इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और एक रिजल्ट निकालेंगे ई बराबर कितना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आप भी लिख लीजिए, ये सब तो आपने लिख ही लिया होगा। चलिए इसके आगे लिखिए, पहला टर्म एच एन बराबर एच सी वन माइनस आर एच बी जो था, इसमें एच एन क्या है, इट इज नेट इनकमिंग एनर्जी, आर क्या है, इट इज रिफ्लेक्शन कोफिशियंट, और वन माइनस आर एच सी ये क्या है, जो वाटर सरफेस के अंदर है ना, जो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, जो टोटल एच सी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आ रही है उसमें से भी जो वाटर सरफेस के अंदर जो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, दैट वैल्यू, ओके, और इसको हम अल्बिडो भी कहते हैं। और ये जो वाटर सरफेस के लिए जो आर का वैल्यू है फॉर वाटर सरफेस, इसका वैल्यू होता है 0.05, और जो स्नो होता है, ठीक है, स्नो मतलब नया नया स्नो जब होती है ना, बर्फबारी जब स्नो होगी, तो उसके लिए फॉर न्यू स्नो उसके लिए जो आर का वैल्यू होगा, इसको लिख लीजिए, पानी के लिए है, दिस इज फॉर वाटर, एंड फॉर स्नो द आर वैल्यू विल बी 0.90, ये स्नो के लिए है, ठीक है। और ये जो टोटल एनर्जी आई, मतलब विथ इनटू ए सरफेस विथ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर, इसको हम अल्बिडो कहते हैं। अब बचा एच बी, इट इज व्हाट, इट इज बैक रेडिएशन फ्रॉम वाटर बॉडी, इसको हम एच बी कहेंगे। एच ए क्या है, सेंसिबल हीट लॉस्ट टू एयर, सेंसिबल हीट मतलब इस हीट को हम सेंस कर पाएंगे, है ना, हमारे जो ग्रंथियां हैं उसको सेंस कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, सेंसिबल हीट लॉस्ट टू एयर। एच जी क्या है, हीट लॉस्ट टू ग्राउंड। एच आई क्या है, नेट हीट कंडक्टेड आउट ऑफ द सिस्टम बाई वाटर फ्लो, नेट हीट कंडक्टेड आउट ऑफ द सिस्टम बाई वाटर फ्लो, इसको हम एडवेक्शन एनर्जी भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एडवेक्शन एनर्जी। एच ई क्या है, इट इज हीट यूज्ड इन इवेपोरेशन, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, रो एल ए ई, एल ए क्या है, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन, इसका वैल्यू कितना है, 585 कैलोरी पर ग्राम। ई क्या है, इट इज इवेपोरेशन लॉस इन एमएम। क्लियर है। अब एक नोट बना के लिखिए, नोट, ऑल द एनर्जी टर्म्स यूज्ड इन दिस इक्वेशन आर एक्सप्रेस्ड
in units of calorie per square mm पर डी। ठीक है, इस यूनिट में एनर्जी को हम एक्सप्रेस करते हैं, ध्यान रखिएगा। वेल, अब चलिए हम जो अपना सॉल्यूशन उसको बढ़ाते हैं। ओके, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन टू क्या था, HA upon HE is equal to beta, Bowen ratio, ये था अपना equation 2, मैं pencil का thickness कम कर लेता हूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो 1 plus beta बराबर मैं क्या लिखूंगा, okay, देखो, मतलब मैं क्यों solve कर रहा हूं, क्योंकि देखो, मैं equation 1 को एक काम करता हूं, पहले ऐसे करता हूं, देखिए, तो जो equation 1 था मेरा, वो पहले लिख देता हूं यहां पे, वो क्या था, HN बराबर HA प्लस HG प्लस HI प्लस HS प्लस HE। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे मॉडिफाई कर सकता हूं कि HN माइनस मैं लिख दूंगा HG माइनस HI माइनस एच एस, ठीक है, बराबर एच ए प्लस एच ई। मैं इस तरह से इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, बोवेंस रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके एच ए प्लस एच ई का एक इक्वेशन निकालूंगा। ठीक है, और इस इक्वेशन को यहां पे पुट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, लेट सपोज इसको इक्वेशन 3 कह दिया मैंने। ओके, अब देखो क्या करता हूं आगे, using equation 2, equation 2 क्या था, it is ratio of HA upon HE equal to beta, तो इसको मैं simplify करूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 plus beta बराबर क्या होगा, 1 plus HA plus HA upon HE, इसको और simplify करूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये बराबर हो जाएगा HE plus HA अपॉन एच ई, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एच ई 1 प्लस बीटा इक्वल टू एच ए प्लस एच ई, क्लियर है, ऐसे लिख सकता हूं। तो एच ई का वैल्यू क्या है, रो एल ए ई ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा इक्वल टू एच ए प्लस एच ई, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो लेट सपोज मैंने इसको इक्वेशन 4 का, तो अब लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4, बड़ा सिंपल है, आप खुद कर सकते हो यार, इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो भी टर्म थे मेरे, जैसे एच एन माइनस एच जी माइनस एच आई माइनस एच एस, बराबर मेरा क्या हो जाएगा, एच ए प्लस एच ई था, ये एच ए प्लस एच ई है ना, तो एच ए प्लस एच जी की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं रो एल ए ई 1 प्लस बीटा, तो ये ऐसा हो जाएगा इक्वेशन मेरा, एच एन प्लस एच जी माइनस एच आई माइनस एच एस, ये हो गया इक्वेशन। अब यहां पे देखो, हमको ई का वैल्यू निकालना था, और E का जो यूनिट है इसमें ऑलरेडी mm में है, ध्यान रखिएगा जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो E का यूनिट mm में आएगा, डेंसिटी आपको kg पर मीटर क्यूब में लेना है, इट्स वेरी सिंपल, लेटेंट हीट कैलोरी पर ग्राम में ले लीजिएगा। ओके, बोवेंस रेशियो का तो कोई वैल्यू ही नहीं होगा, क्लियर है, तो जब E हम निकालेंगे, E बताएंगे, तो E का एक्सप्रेशन मेरा क्या हो जाएगा, E का मेरा इक्वेशन बन जाएगा HN माइनस HG माइनस एच आई माइनस एच एस डिवाइडेड अपॉन रो एल ए, ई तो निकाल चुके हैं, तो बचा क्या, 1 प्लस बीटा,
क्लियर है। तो ये अपना फाइनल एक्सप्रेशन बन गया। अब इसमें थोड़ा लॉजिक है। लॉजिक क्या है सुनो, कहानी ये है कि मैंने क्या बोला कि ये जो इक्वेशन है इसको हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे अगर अप्लाई करें तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। क्लियर है। तो फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यहां पर हम दो टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब वो दो टर्म क्या है, ये देखो, ये तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो गया। अब ये इक्वेशन हो गया फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन का बेटर रिजल्ट निकलता है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। तो फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन हम यहां पे क्या क्या नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वी कैन नेग्लेक्ट एच आई को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ओके, एडवेक्शन हीट बाय फ्लोइंग वाटर, मतलब सीपेज हुआ तो सीपेज, जैसे कि शॉर्ट ड्यूरेशन कहने का मतलब है एक सप्ताह से भी कम ड्यूरेशन के लिए, है ना, चार दिन के लिए, पांच दिन के लिए, दस, है ना, चार दिन, पांच दिन, छह दिन के लिए, फॉर ऑन एन एवरेज वन ड्यूरेशन का वीक के, वन ड्यूरेशन का टाइम पीरियड के लिए, है ना। तो ये एडवेक्शन हीट को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, प्लस हीट स्टोर्ड एचएस इसको भी नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो जब इन दोनों को नेग्लेक्ट कर देंगे तो अपना इक्वेशन क्या बच जाएगा, ई इक्वल टू, बड़ा सिंपल, क्या बचेगा, एच ए, सॉरी, एच एन माइनस एच जी डिवाइडेड अपॉन रो एल ए वन प्लस बीटा, ठीक है। तो ये बच गया अपना इक्वेशन फॉर स्मॉल पीरियड। नाउ अब वो कंपैरिजन याद है जो मैंने बताया था वाटर बजेट और इस मेथड के बीच में, कि ये मेथड शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ज्यादा एक्यूरेट है और वाटर बजेट मेथड लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ज्यादा एक्यूरेट है। अब मैं बता देता हूं, वाटर बजेट मेथड से क्वेश्चन आया है, ठीक है, वाटर बजेट मेथड से क्वेश्चन आया है, लेकिन लेकिन इस मेथड से क्वेश्चन नहीं आया है। इस मेथड से केवल बोवेंस रेशियो के बारे में पूछा है, न्यूमेरिकल तो आज तक कभी पूछा ही नहीं है, ना इसका डेरिवेशन पूछा है, लेकिन मैंने आपको करवा दिया। हो सकता है अगर एग्जाम में आजकल टफनेस लेवल बढ़ाते हुए देखते हुए शॉर्ट नोट्स के टर्म में पूछ दे, है ना, कि एनर्जी बजट मेथड का शॉर्ट नोट्स लिखो या फिर उसको लिखो, कैसे क्या करते हैं, ऑपरेशन लॉस कैसे निकालते हैं एनर्जी बजट मेथड को यूज करके, तो वहां पे आपको ये सब कन्वेंशनल पेपर में काम आएगा। और फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप लास्ट का जो ये फॉर्मूला निकल रहा है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन, इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सब सारा डेटा दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा कि इनका रेशियो क्या है, है ना, या फिर कंपेयर रिजल्ट, मतलब इसी मेथड को यूज करके शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन में एक्यूरेसी पूछ देगा, कौन सा ज्यादा अच्छा है। आपको पता है शॉर्ट ड्यूरेशन में ज्यादा एक्यूरेट निकलेगा, मतलब वैल्यू में डिफरेंस क्या है, इस तरह के क्वेश्चन अगर टफनेस लेवल को इंक्रीज करना चाहे तो पूछ सकता है, गेट में आ सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल इस मेथड को ध्यान में रखिएगा और एग्जामिनेशन से पहले इस मेथड को जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा, रोज रोज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है, एक बार समझ लिया, डायग्राम वो वाला समझ लिया जो लेक का मैंने बताया, कितना एनर्जी आया, कितना एनर्जी बाहर गया, क्या क्या क्या, क्लियर है, वो डायग्राम जब अगर आपने अच्छे से बना लिया, अच्छे से समझ लिया, तो उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अप्लाई कर देना, टोटल इनकमिंग इक्वल टू टोटल आउटगोइंग प्लस एनर्जी स्टोर्ड प्लस एनर्जी यूज्ड इन इवेपोरेशन, और फॉर्मूला में बोवेंस रेशियो का फॉर्मूला और एनर्जी यूज इन इवेपोरेशन का, बड़ा सिंपल है, रो एल ए इंटू ई, ध्यान में रखना है, फंडा क्लियर है, बड़ा सिंपल सा मेथड था। अब नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, मास ट्रांसफर मेथड, जो कि ना के बराबर की चीज है। लिख लीजिए मास ट्रांसफर मेथड, इसका जो फॉर्मूला है इट इज वी ई, बोला जो कि ना के बराबर है, वी ई इक्वल टू ए ई पी एम सी पी। अब इसमें क्या क्या जो पैरामीटर है वो क्या है देख लीजिए, वी ई क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ट इन इवेपोरेशन, ए इज एवरेज रिजर्वेयर सरफेस एरिया, जो भी लेक वगैरह है जिसका आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसका सरफेस एरिया, ई पी एम क्या है, पैन इवेपोरेशन का वैल्यू, अगल बगल उस सिस्टम के मास ट्रांसफर मेथड में पैन का यूज किया जाता है, पैन इवेपोरेशन वैल्यू, और सीपी क्या है, जो भी पैन यूज किया है उसका पैन कोफिशियंट, ठीक है, इस तरह से इसको निकाला जाता है।
अब जो देखो ये जो तीन मेथड मैंने बताया, एक दो तीन, वाटर बजट मेथड, एनर्जी बजट मेथड, मास ट्रांसफर मेथड, इन तीनों मेथड में से जो अच्छा मोस्ट एक्यूरेट मेथड है फॉर शॉर्ट पीरियड दैट इज एनर्जी बजट मेथड, और लॉन्ग टाइम के लिए जो अच्छा मेथड है दैट इज वाटर बजट मेथड। क्लियर? अब जितने भी टोटल मेथड मैंने बताए थे, टोटल मेथड मतलब पैन मेथड है ना, पैन इवेपोरेशन मेजरमेंट मेथड बताया था मैंने, जिसको हम इवेपोरीमीटर मेथड कहते हैं है ना, क्लास ए पैन, इंडियन स्टैंडर्ड पैन, बहुत सारा पैन बताया था, कोलोराडो पैन, ओके, फिर और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे फ्लोटिंग पैन, चार तरह का पैन बताया था, उसको यूज करके हम निकालते हैं, वो पहला मेथड। दूसरा मेथड मैंने बताया था इंपेरिकल मेथड, मेयर्स मेथड और आपका रोवर्स मेथड, और तीसरा हो गया एनालिटिकल मेथड, उसमें ये तीन मेथड। अब इन सारे बहुत सारे मेथड है, सब कुछ आपने पढ़ लिया। अब इन सारे मेथड में से जो बेस्ट मेथड है, मोस्ट सुटेबल बेस्ट मेथड विच इज वाइडली यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ इवेपोरेशन, वो कौन सा है बच्चों? क्वेश्चन अगर पूछेगा तो बताना है इवेपोरीमीटर मेथड, पैन इवेपोरेशन मेजरमेंट टेक्निक, ओके, दैट मेथड इज मोस्ट वाइडली यूज्ड अमंग ऑल दिस मेथड्स। क्लियर है? चलिए अब एक नोट बना के लिखिए कि एवरेज इवेपोरेशन भारत वर्ष में, इंडिया में, इन नॉर्मल इंडियन कंडीशन, पर ईयर जो इवेपोरेशन होता है उसका एवरेज वैल्यू है लगभग 160 cm, इतना डेप्थ ऑफ वाटर इवेपोरेट कर जाता है डिफरेंट लेक से, समुद्री क्षेत्र से, लैंड से, हर जगह से मिला जुला के इतना वाटर पर साल एनुअली इवेपोरेट करके फिर अपना वातावरण में चली जाती है, जो कि वही पानी फिर से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को कंटिन्यू करती है, बादल बनती है, गिरती है। क्लियर? लेकिन इतना एक आंकड़ा लगाया गया है कि इतना इवेपोरेट हो जाती है, ये इंडियन कंडीशन के लिए है। और मान लो और थोड़ा सूखा इलाका है, एरिड जोन, वहां पे इवेपोरेशन का वैल्यू और हाई हो सकता है, जहां सूखा है मतलब वहां पानी की इतनी कमी है, मतलब वहां ज्यादा गर्मी है, एरिड जोन में गर्मी ज्यादा रहता है, तो वहां पे ज्यादा इवेपोरेशन हुआ। क्लियर है? सो ये आपका मेजरमेंट का टेक्निक सारे खत्म हो गए, इस पर से कोई क्वेश्चन उतना आए नहीं है तो करवाऊंगा नहीं, थ्योरी याद रखिएगा, खास करके एनर्जी बजट का, वो पूछ सकता है शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। अब जो एक नेक्स्ट थ्योरी बताऊंगा ये पूछेगा मेथड टू रिड्यूस इवेपोरेशन या मेथड टू कंजर्व इवेपोरेशन, या फिर हम इसको इस मेथड को कहेंगे मेथड टू कंजर्व इवेपोरेशन लॉस, है ना, ये एक शॉर्ट नोट्स का टॉपिक है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो इसको कैसे किया जा सकता है? देखो जो सबसे पहला बेसिक टेक्निक है, ओके, पहला पॉइंट वो क्या है, बाय रिड्यूसिंग सरफेस एरिया ऑफ वाटर बॉडी, ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ वाटर बॉडी को रिड्यूस करेंगे तो इवेपोरेशन रिड्यूस हो सकता है। मतलब हमको क्या करना होगा, देखो आपको पता है कि लेट्स सपोज ये वी वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें स्टोर करना है, समझ में आ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू, लेट्स सपोज दिस इज द डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी, एवरेज डेप्थ है ना, और इसका सरफेस एरिया है ए, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, एरिया इंटू डेप्थ है ना, तो बाय फॉर स्टोरिंग द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द रिजर्वायर, फॉर स्टोरिंग द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द रिजर्वायर, हम यहां पे क्या कंडीशन बना सकते हैं, कंडीशन हम ये बना सकते हैं कि एरिया को डिक्रीज करना है जब इवेपोरेशन को रिड्यूस करने के लिए तो हमको डेप्थ इंक्रीज करना होगा, है ना, तो ये कंजर्वेशन मेथड है, बाय रिड्यूसिंग सरफेस एरिया ऑफ वाटर बॉडी दैट इज इंक्रीजिंग, ये क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव में, डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी, ये एक सबसे पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है इवेपोरेशन से बचाने के लिए, दूसरा मेथड है मान लो
कि आपने उसको क्या किया, देखो हीट आएगा है ना, हीट आएगा पानी को गर्म करेगा तभी तो इवेपोरेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, ढक देंगे। कहने का मतलब है लेट्स गो अभी अभी, लेकिन ये जो ढकने वाला मेथड है ये बहुत बड़ा बड़ा वाटर बॉडी के लिए काम नहीं आएगा। उतना बड़ा वाटर बॉडी को कैसे ढकोगे यार, समझ रहे हो? 2-4 किलोमीटर में कोई रिजर्वेयर फैला है तो उतने ढकना बहुत मुश्किल है, वो तो गहरा भी होगा, उसके लिए ढकने वाला सिस्टम बनाना मुश्किल है। तो ये छोटे छोटे रिजर्वेयर के लिए काम आएंगे, छोटा छोटा पोखर, छोटा स्विमिंग पूल वगैरह है ना, ऐसे इन सब चीजों को ढकने के लिए ये काम आएगा। ओके, ये मैकेनिकल कवर मेथड काम आएगा। तो हम यहाँ पे क्या रूफ बना के ढक देंगे, छत बना देंगे, समझ रहे हो? इस तरह का छत बना देंगे और नीचे इधर पानी रहेगा, हो गया। या फिर सीट प्रोवाइड कर देंगे, मैकेनिकल सीट्स, समझ रहे हो? तो ये दूसरा मेथड हो गया। इससे भी सोलर रेडिएशन उतना आएगा नहीं, हीट एनर्जी उतना एब्जॉर्ब करेगा नहीं, तो इवेपोरेशन होने का चांसेस उतना नहीं होगा, मतलब कम इवेपोरेशन होगा, कुछ ना कुछ तो बचेगा है ना। तो दिस इज सेकंड, बाय प्रोवाइडिंग मैकेनिकल कवर शॉर्ट नोट्स है, एग्जाम में आएगा, ओके, ओवर द वाटर बॉडी इन फॉर्म ऑफ रूफ, ओके, दैट इज वी प्रोटेक्ट, क्या प्रोटेक्ट करते हैं, वाटर फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, वाटर फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट क्लियर, ठीक है। तो ये छोटे वाटर बॉडी के लिए सुटेबल है, फॉर स्मॉल वाटर बॉडी आप लिख सकते हो, फॉर स्मॉल साइज वाटर बॉडी ये किया जा सकता है। इस तरह का सिस्टम ज्यादा कॉमनली आप देखोगे गुजरात वाले इलाके में, वहां पे अधिकतम स्विमिंग पूल वगैरह में इसी मेथड को यूज किया जाता है। तो ये हो गया दूसरा मेथड कंजर्वेशन फ्रॉम इवेपोरेशन का। अब जो तीसरा टेक्निक है, ओके, तीसरा टेक्निक है, इट इज बाय प्रोवाइडिंग बाय यूज ऑफ केमिकल। कुछ ऐसे केमिकल्स भी हैं जिसका इस्तेमाल अगर हम करें तो वो इवेपोरेशन से बचाता है। हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास केमिकल है उसको पानी में मिला देते हैं, तो वो केमिकल जो है ना वाटर सरफेस के ऊपर एक पतला सा लेयर बना देगा। लेट सपोज आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये आपका वाटर बॉडी है, दिस इज योर सरफेस ऑफ वाटर बॉडी। तो जब केमिकल आप मिला देंगे तो ये एक पतला सा थिन फिल्म, बहुत ही पतला सा एक लेयर बना देगा इस वाटर सरफेस के ऊपर ये केमिकल, ठीक है, जो कि हीट को प्रोटेक्ट करेगा और इवेपोरेशन होने नहीं देगा। उतना गर्म भी होगा तो वेपर को इससे एस्केप होने नहीं देगा, ओके, वेपर एस्केप ही नहीं कर पाएगा। जब वेपर ही एस्केप नहीं कर पाएगा तो वो पानी मतलब वो उसी में रहेगा ना वो वाटर पार्टिकल, समझ रहे हो? तो इवेपोरेशन लॉस होगा ही नहीं, ओके। तो ये मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल को रिड्यूस कर देता है, मतलब उनके वेलोसिटी को रिड्यूस कर देगा, मतलब हीट ही जाने नहीं देगा, समझ रहे हो? तो इन सब चीजों के कारण यहाँ पे क्या होता है, इवेपोरेशन आपका कंजर्व हो जाता है। तो इस तरह के कौन कौन से केमिकल हैं एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो कुछ ऐसे केमिकल हैं, केमिकल्स लाइक, केमिकल्स कौन कौन सा यूज किया जाता है, देखिए पहला हो गया सिटाइल अल्कोहल, ओके, सिटाइल अल्कोहल, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है C16, फिर C16 बनेगा, फिर क्या है इसका, एक मिनट, H11OH, ये है सिटाइल अल्कोहल। इसको हम हेक्सा डेकानॉल भी कहते हैं, हेक्सा डेकानॉल,
ओके। दूसरा जो केमिकल है इट इज ऑक्टाडेकानॉल या फिर स्टेराइल अल्कोहल, STERYL, स्टेराइल अल्कोहल। इसका जो फॉर्मूला बनता है C18H37OH। अच्छा, इसके फॉर्मूला में हमको थोड़ा कंफ्यूजन है सिटाइल अल्कोहल का H के साथ कितना रहेगा, तो इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा या फिर हम बाद में कभी बता देंगे। इसको हम ऑक्टाडेकानॉल भी कहते हैं। ठीक है, तो इन केमिकल्स का यूज किया जाता है रेट ऑफ इवेपोरेशन को कम करने के लिए। अब ये जो केमिकल्स हैं ये टॉक्सिक नहीं होते, क्योंकि देखो टॉक्सिक अगर होंगे तो आपका रिजर्वेयर में बहुत सारा जीव जंतु भी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मछलियां हैं, पेड़ पौधे, अगर ये टॉक्सिक होगा, जहरीला होगा, ठीक है, ये केमिकल, तो वो अगर इन सब चीजों को कंज्यूम करेंगे तो एक्वाटिक लाइफ को डेंजर आ जाएगा, समझ में आ रहा है, डेंजर आ जाएगा, तो दिक्कत है, तो ये नॉन टॉक्सिक होते हैं। दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है इस लेयर का वो क्या है, देखो मैं समझाता हूँ। लेट सपोज ये रिजर्वायर का बॉडी है आपका, ठीक है, ये आपका वाटर सरफेस, इस पर ये लेयर बना दिया है ये केमिकल ने। अभी तो ये तो लेक है, रिजर्वायर है, मान लो चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही थी, उसको प्यास लगा तो चिड़िया आ गई कहां पर, पानी पीने के लिए, तो उसने क्या किया, अपना चोंच जो है अपना, ओके, उसका चोंच, उसने वो चोंच मार दिया पानी में और पानी लेके पी गया, या फिर मछली पकड़ लिया, एक तो बोगला वगैरह ने मछली पकड़ लिया, तो क्या हुआ, तो यहाँ पे तो छेद हो गया ना, ये लेयर तो यहां से हट जाएगी केमिकल वाली, तो यहां से फिर इवेपोरेशन होगा, इधर से इवेपोरेशन होगा, तो हम इसको कहेंगे ये लेयर पंचर हो गई या फिर लीक हो गया इसमें। तो इसका इस केमिकल का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो लेयर बना है, तो यहाँ पे जब मान लो बर्ड वगैरह के लिए, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, मान लो बरसात हुई तो बरसात में बहुत सारे बूंदे इतने ऊपर से गिरेंगे तो ये लेयर को बार बार छेद करता रहेगा, तो लेयर बार बार पंचर होगी, तो पंचर होगी तो क्या हमको फिर से केमिकल डालना होगा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इसका इतना सेल्फ, इतना स्ट्रेंथ है, इतना कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये ऑटोमेटिक रिपेयर कर लेगा, मतलब वो जो लेयर पंचर हुआ उसको फिर से वो ऑटोमेटिकली भर लेगा एज सून एज पॉसिबल, बहुत जल्द से जल्द, है ना। और ये लेयर काफी स्ट्रांग होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है, और हवा वगैरह अगर चलता है, ठीक है, विंड के कारण ये लेयर ब्रेक नहीं होती है, ये पंचर हो सकती है बर्ड इंपैक्ट के कारण, या फिर रेनफॉल, रेन ड्रॉप्स के कारण, इंसेक्ट वगैरह के कारण, ये सारे इनको लीकेज कर सकते हैं, इस लेयर को फाड़ सकते हैं, लेकिन ये हवा चलने के कारण ये लेयर फटता उठता नहीं है, है ना। तो वेव एक्शन को, या फिर हवा, या फिर लहर, पानी का मान लो लहर है, इसके कारण वो लेयर टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये इतना फ्लेक्सिबल और इतना स्ट्रांग होती है, क्लियर है, ओके। दूसरा बात, ये जो लेयर है ये परवियस होती है, परवियस मतलब कोई लेयर है तो इससे कुछ चीज बाहर आ पाए और कुछ चीज अंदर जा पाए, है ना। तो देखो अंदर में जो जीव जंतु है रिजर्वेयर में, उनको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब चीजों की भी काफी जरूरत होती है ना। तो ये लेयर इतना परवियस होती है कि ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से इजिली अंदर बाहर कर सकता है, और इस कारण से जो वाटर का क्वालिटी है ये अफेक्ट नहीं होता, समझ में आया, ऑक्सीजन अंदर ले सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकता है, ठीक है, इतना ये लेयर परवियस होता है इन गैसेस के लिए, तो इसलिए वाटर क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करता है। तो और लास्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस लेयर कि इट इज, ये कलरलेस होता है, मतलब जैसा आपका पानी है वैसा ये भी दिखेगा, लेयर आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई केमिकल डाला हुआ है, बदबू नहीं करेगा, ऑडरलेस होता है और नॉन टॉक्सिक होता है, क्लियर, ठीक है। तो लिख लीजिए इन सब चीजों को, और ये जो लेयर बताया मैंने, ये जो केमिकल बताया, दो केमिकल, सिटाइल अल्कोहल और स्टेराइल अल्कोहल, अब इन दोनों केमिकल में से सबसे जो बेस्ट केमिकल है, जो मोस्ट इफेक्टिव है ना, जो कि ज्यादा इवेपोरेशन को रिड्यूस करता है, वो है सिटाइल अल्कोहल, पहला वाला, ठीक है। सिटाइल अल्कोहल एक ऐसा केमिकल है जिसको अगर हम यूज करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये लगभग 20-50% तक इवेपोरेशन का रेट को कम करता है, क्लियर है, या फिर 60% तक भी कम कर सकता है, ओके। तो ये काफी ज्यादा इवेपोरेशन को कम करता है, और इसका, लेकिन
देखो हर एक लेयर का अपना एक सरफेस टेंशन होता है, तो इसका भी एक प्रॉपर सरफेस टेंशन है, जिस सरफेस टेंशन पे या फिर फिल्म प्रेशर पे ये मेंटेन होना चाहिए, और दैट वैल्यू इज 0.04 न्यूटन पर मीटर। अगर ये सरफेस टेंशन मेंटेन्ड है तो मैक्सिमम इवापोरेशन इससे रिड्यूस किया जा सकता है बाय यूजिंग सिटाइल अर्थवर लेयर। ओके, तो वेल इन सब जो चीजें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की, इन्हीं सब चीजों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। आगे लिख लीजिए, लिखिए इसी में, द केमिकल फॉर्म ए थिन लेयर ओवर वाटर सरफेस एंड रिड्यूसेस इवापोरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, इवापोरेशन कैन बी रिड्यूस्ड टू मिनिमम व्हेन ए फिल्म प्रेशर इज मेंटेन्ड एट 0.4 न्यूटन पर मीटर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये चीज को पूछा जाता है, इवापोरेशन को कम से कम मिनिमम रिड्यूस किया जा सकता है जब सरफेस टेंशन ऑफ दिस फिल्म, मतलब ये जो केमिकल का लेयर बनेगा वो कितने पे मेंटेन्ड हो, 0.04 न्यूटन पर मीटर। एग्जाम में पूछा गया है, बारंबार पूछा गया है, एसएससी में, ईएससी में, ठीक है, और भी डिफरेंट एग्जामिनेशन में, छोटा मोटा एग्जाम जो स्टेट पीएससी का होता है उसमें तो पूछता ही पूछता है, सो इसको ध्यान रखने का। नेक्स्ट, इसी में लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल यूज्ड आर, है ना, ये जो केमिकल हम यूज कर रहे हैं इनका क्या क्या खासियत है, क्या गुण है, है ना, गुणवत्ता, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, दिस फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल लेयर विच इजिली डू नॉट ब्रेक ड्यू टू वेव एक्शन। मान लो लेक वेक में रिजर्वेयर के सरफेस पे लहर वगैरह उठा तो उस कारण से ये लेयर इजिली नहीं टूटता है, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, इट हैव पोटेंशियल ऑफ सेल्फ रिपेयरिंग। सेल्फ रिपेयरिंग कब होने का जरूरत पड़ेगा, मान लो जैसे पंचर हो गया ड्यू टू रेन ड्रॉप या फिर बर्ड या फिर इंसेक्ट का इफेक्ट के कारण ये पंचर हो गया, तो ये इसका इतना पोटेंशियल होता है, क्षमता होता है कि ये सेल्फ रिपेयर कर ले क्विकली, है ना। तीसरा, ये जो केमिकल लेयर बनती है, फिल्म बनती है, इट इज परवियस टू ऑक्सीजन, O2 एंड CO2, इन गैसेस के लिए परवियस होती है, मतलब ये गैस इससे आर पार हो सकते हैं इस लेयर से, और इसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 की एक फ्री सर्कुलेशन मेंटेन्ड होती है आपकी वाटर बॉडी के अंदर, जिस कारण से आपका वाटर क्वालिटी मेंटेन्ड होता है ना। तो ये पॉइंट लिखिए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, ये बदबूदार नहीं है, ऑर्डरलेस नहीं है, कलरलेस है, है ना सर, ये ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता, और नॉन टॉक्सिक है, इसमें कोई जहर नहीं होती, एक्वाटिक लाइफ के लिए बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है। ओके, नोट, एक नोट बना के लिखिए, ये जो दो केमिकल मैंने आपको अभी अभी जिसका जानकारी दिया, एक मैंने दिया सिटाइल अल्कोहल, दूसरा दिया स्टेराइल अल्कोहल। अब इन दोनों केमिकल में से जो इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव केमिकल है, इट इज सिटाइल अल्कोहल, और ये ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू स्टेराइल अल्कोहल, और ये कम से कम जो इवापोरेशन को रिड्यूस करती है, ये इफेक्टिवली रिड्यूस इवापोरेशन बाई 20-60%। समझ में आ रहा है, मैक्सिमम अगर कोई पूछेगा कितना हद तक रिड्यूस किया जा सकता है, तो 60%, 50-60% के आसपास का कोई वैल्यू अगर क्वेश्चन में होगा तो उसको टिक लगाना है। क्लियर है कि मैक्सिमम केमिकल मेथड को यूज करके कितना रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमम तो 20% है ही, मैक्सिमम कितना 50-60 के आसपास होगा वैल्यू, तो उसको टिक लगाना है। क्लियर है, सो ये हो गई कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इवापोरेशन। क्लियर, अब मैं थोड़ा सा कुछ कुछ पॉइंट बताता हूं लैंड इवापोरेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो लैंड इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, उतना जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एसेप्शन रीजनिंग, ईएस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो इन सब चीजों का भी थोड़ा जरूरत पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कई एक बार तो मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक है, व्हाट इज पूल लेवल पूछ दिया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बड़ा गंदा सा चीज है, कुछ नहीं है लेकिन वो पूछा था, है ना, तो कुछ भी पूछ सकता है, पढ़ना अपने को सब क्या जाता है, थोड़ा समय ही तो जाएगा, फायदा ही होगा। ओके, तो लैंड इवापोरेशन, देखो यार एक बड़ा ही खूबसूरत सा बात है, अभी मैं बोलूंगा आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। अब वो क्या है, ये मान लो एक लेक है, ठीक है, अब इसका सरफेस एरिया है कितना, ए, मान लो इतना ही सरफेस एरिया का एक जमीन है,
सेम सरफेस एरिया ए, लेकिन बात क्या है, ये लेक में जो पानी है अभी, ये जो जमीन है इट इज फुल्ली सैचुरेटेड, ठीक है, इट इज फुल्ली सैचुरेटेड। मैं ऐसा ही कुछ कुछ पॉइंट बताऊंगा जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए होगा, जरूरत होगा, और ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। तो देखो होता क्या है, ऐसा होता है जनरली कि लेक से जितना इवापरेशन नहीं होगा उससे ज्यादा इस सैचुरेटेड लैंड से इवापरेशन हो जाएगा, है ना। तो इवापरेशन फ्रॉम लिख लीजिए, इवापरेशन फ्रॉम, आपको लगेगा अरे उसमें तो पूरा पानी ही पानी था, अरे बात क्या है, देखो लैंड जल्दी गर्म होता है, समझ में आया। आप जमीन पर कभी भी पांव रख दीजिए समर सीजन में, देखो चल नहीं पाओगे, इतना गर्म रहता है, समझ रहा है, जमीन जल्दी गर्म होता है पानी के कंपेयर में, और ज्यादा हीट ये स्टोर करके रखता है, तो इसमें जितना भी सैचुरेटेड वाटर था वो सब वॉइड में तुरंत इवेपोरेट कर जाएगा। तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल से ज्यादा इवेपोरेशन होगा एज कंपेयर टू लेक ऑफ सेम सरफेस एरिया, ओके। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल विल बी मोर एज कंपेयर टू लेक ऑफ सेम सरफेस एरिया, क्लियर है। दूसरा बात देखो, लैंड से इवापरेशन तभी होगा, ये मान लो लैंड है, लैंड से इवापरेशन तभी होगा जब इसके सरफेस के करीब करीब पानी रहेगी अधिकतम, ये सॉइल जो है कंप्लीट सैचुरेटेड होगा। तो कोई ऐसा लोकेशन जहां पर वाटर टेबल जो है सरफेस के काफी करीब करीब है तो वहां पे इवापरेशन ज्यादा होगा, पहला पॉइंट ये। दूसरा, कोई ऐसा लोकेशन जहां पे कैपिलरी एक्शन काफी अच्छे तरीके से हो रही है और ज्यादा हो रही है, तो कैपिलरी एक्शन के कारण, कैपिलरी एक्शन के कारण, ये सब समझने वाली चीज है, बेसिक चीज है, इसको लिखने का ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो कैपिलरी एक्शन के कारण क्या होगा, पानी जो नीचे है वो उठ के सरफेस पे चला जाएगा, तो पानी यहाँ सरफेस पे आ गया ये इवेपोरेट कर जाएगी, तो जहां पे कैपिलरी एक्शन हो रही है उसके कारण इवेपोरेशन इंक्रीज होता है लैंड में, है ना। वाटर टेबल अगर करीब करीब हो तो लैंड में फिर इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। फिर सॉइल का कलर भी अफेक्ट करता है, सॉइल का कलर, जैसे कि मान लो कोई सॉइल गाढ़े रंग का है, मतलब डार्कर कलर का, जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल, ऐसे सब सॉइल से इवेपोरेशन ज्यादा होगा, उसका कलर काफी डार्क है, समझ रहे हो, ओके। क्योंकि डार्क कलर का जो चीज है वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जैसे कि कहा जाता है गर्मी में काला कपड़ा पहन के नहीं निकलो लेकिन ठंडी सीजन में काला कपड़ा पहनो, क्यों, काला जो चीज है वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। अभी मान लो जितना तुम्हारा शरीर गर्म नहीं होगा, सर तुम्हारा उतना गर्म हो जाता है, क्यों, तुम्हारे सर के ऊपर बाल है काला, इसलिए गर्मियों में टोपी पहना जाता है ताकि वो गर्म ना हो काला चीज, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब करता है ज्यादा, समझ रहे हो। तो सॉइल कलर भी लैंड इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है, डार्कर कलर होगा तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्लियर है। तो ये सब कुछ कुछ बातें थी लैंड इवेपोरेशन से रिलेटेड। बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आ जाए तो कॉन्सेप्ट सीख लिया है, चीजें बेसिक आपको कान में मैंने डाल दिया है, तो टिक लग जाएगा अगर वीडियो कोर्स को अच्छे से सुना है तो। लिखने की जरूरत नहीं है, जितना लिखवा है काफी लिखवा है। अब इस पूरे ओवरऑल वीडियो में जो दो इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक था डिस्कशन का, वो क्या क्या था, एनर्जी बजट मेथड एंड कंजर्वेशन ऑफ इवेपोरेशन। इन दोनों टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करिए, बाकी सब तो मैंने, ये ब्लूपर था आप कह सकते हो, क्योंकि लेकिन वो जानना जरूरी है आपके लिए, ठीक है, लेकिन वो ब्लूपर था, ओके। लेकिन जो मेन चीज थी वो एनर्जी बजट थी और कंजर्वेशन ऑफ लेक इवेपोरेशन। आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके। और किसी भी तरह का डाउट हो, अगर आप असंतुष्ट हैं कुछ भी है, तो हमको कमेंट भी करिए ताकि हमें पता चल पाए कि क्या, किस तरह का सुधार हमको करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आप हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लीजिए, 7008420353। इट इज कॉन्सेप्ट डिकोडर।
ओके, माय नेम इज पीयूष परासर, आई एम टीचिंग यू सिविल इंजीनियरिंग हियर। सो इस ग्रुप से इस नंबर से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ा हुआ, आप नंबर सेव करके हमें व्हाट्सएप करिए, हम आपको ऐड कर देंगे उस ग्रुप में जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं एग्जामिनेशन क्लियर करने वाले, क्लियर कर चुके वाले, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन चलता रहता है और जहाँ पे सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट हम आपका खुद क्लियर करते हैं। नेक्स्ट, एंड्रॉयड पे जाके, प्ले स्टोर पे जाके आप हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और लॉग इन कर सकते हैं और उसमें बहुत सारे कंटेंट चीजें हमने अपलोड करके रखे हुए हैं, यू कैन सर्च फॉर दैट। अभी जो लेटेस्ट सिविल इंजीनियरिंग पैकेज में एनरोल करने की ऑफर चल रही है हम अपने चैनल के थ्रू से, जो कि आपको एंड्रॉयड ऐप पर कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, प्लस आपको यूट्यूब चैनल पे भी कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, एंड इट इज ₹2,999 ओनली, एंड दिस ऑफर इज ओनली फॉर लिमिटेड टाइम। और इस ऑफर के तहत इस पैकेज में आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे कि स्ट्रक्चर एनालिसिस, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, सर्वे, बीएमसी, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, सीपीएम पार्ट, ओके, आरसीसी, सॉइल, फ्लूड, सारे सब्जेक्ट, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। सो दिस ऑफर इज फॉर ए पर्टिकुलर ओकेजन एंड इट इज वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम, यू कैन स्टार्ट एनरोलिंग टूडे। गुड लक, हैव ए नाइस डे।